तो भाई पठान मूवी का कलेक्शन देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ इस तरह का था। और जिन लोगों ने बॉयकॉट किया था उनका रिएक्शन कुछ इस तरह का रहा होगा। लिटरली मूवी ने इंडिया से करीब 650 करोड़ और ओवरसीज से 400 करोड़ यानी टोटल 1050 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। सिनेमा हॉल में इतना उधम मचाने के बाद ओटीटी यानी अमेजन प्राइम पर भी ये मूवी पूरी तरह से छाई रही। कई सारी हॉलीवुड मूवीज भी व्यूज के मामले में पठान से पीछे है यानी अब तक इसका जलवा खत्म नहीं हुआ है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा था एक मूवी जिसे लेकर न जाने कितने सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, बॉयकॉट के नारे लगे, सिनेमा हॉल में पोस्टर्स चलाए गए, यहाँ तक कि शाहरुख खान भी किसी तरह के प्रमोशनल इवेंट में नजर नहीं आए, उसके बाद भी मूवी इस तरह से परफॉर्म करेगी? वेल, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि असल में बॉयकॉट ने इस फिल्म के प्रमोशन में काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग शाहरुख खान के फैन नहीं थे वो भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये फिल्म देखने के लिए गए, जिससे कि अल्टीमेटली फायदा पठान को ही हुआ। अब इसके बाद शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी जवान आ रही है और मुझे लगता है ये पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। पठान को भले ही साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया गया था लेकिन कलेक्शन उतना नहीं हुआ जितना पहले एक्सपेक्ट किया गया था। लेकिन अगर तुम जवान का स्टारकास्ट देखोगे तो इसमें ज्यादातर साउथ इंडियन के एक्टर ही मिलेंगे। कॉमेडियन से लेकर डायरेक्टर तक सब तमिल फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। विजय सेतुपति ऑलरेडी काफी पॉपुलर एक्टर है और उन्होंने जिस तरह से रिसेंटली फर्जी में परफॉर्मेंस दिया है और अपने वॉइस को खुद डब किया है, मुझे लगता है बॉलीवुड के लिए वो एकदम रेडी हो चुके हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये मूवी साउथ इंडिया से ह्यूज कलेक्शन करने वाली है और रिसेंटली इस मूवी के जो एक दो सीन लीक हुए थे उससे इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ चुका है। एटलीस्ट साउथ के ऐसे डायरेक्टर है जो ज्यादातर मास एक्शन फिल्म बनाते हैं और उनका सक्सेस रेट अब तक 100% रहा है और इसीलिए जवान को रिलीज से पहले ही नेटफ्लिक्स वालों ने 120 करोड़ रुपए में खरीद भी लिया है। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे बॉलीवुड में शाहरुख खान ही एक अकेला बंदा है जिस पर बॉयकॉट थ्योरी काम नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहरुख खान की आने वाली हर फिल्म में पठान की तरह ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि उनकी तरह कमबैक एटलीस्ट बॉलीवुड में कोई नहीं कर सकता।